पुलिस ने जब्ती की चोरी की 8 मोटरसाइकिल, अन्य सामान 6 महीने से, बाइक सक्रिय चोर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ाया। खरगोन जिले के रहने वाले नवोदित चोरों को पुलिस ने पकड़ा। मंगलवार को डीएसपी अनिल सिंह चौहान एवं थाना प्रभारी छेगांव राधेश्याम मालवीय के दौरान चोरों का खुलासा किया गया। छेगांव माखन थाना पुलिस ने जब्ती की चोरी के 8 मोटरसाइकिल, अन्य सामान 6 महीने से, बाइक सक्रिय चोर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ाया। खरगोन जिले के रहने वाले नवोदित चोरों को पुलिस ने पकड़ा। मंगलवार को डीएसपी अनिल सिंह चौहान एवं थाना प्रभारी छेगांव राधेश्याम मालवीय के दौरान चोरों का खुलासा किया गया। डीएसपी अनिल सिंह चौहान ने बताया कि एसपी विवेक सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस की दो अलग अलग टीमें बनाई गई। इस अंतर्राष्ट्रीय 8 चोरों को पकड़ने के लिए कुछ दिन पूर्व छेगांव माखन स्टेट बैंक के ताले तोड़कर बैंक में चोरी की सेवा सहकारी समिति के कंट्रोल के 100 कट्टे गेहूं एवं 5 से 10 मोटरसाइकिल चोरी की। किस तरह से क्या आरोपी को पकड़े गए? थाना छेगांव जिला खंडवा में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छेगांव ब्रांच में अटेम्प्ट हुआ था चोरी का। उसके ताले टूटे थे, उसकी खिड़की तोड़ी गई, लेकिन कुछ गया नहीं था। लेकिन ये हमारे लिए एक अलार्मिंग था कि अब जाकर के कोई बड़ी वारदात हो सकती है, कोई बाहर का गैंग हो सकता है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह साहब ने स्पेशली इसके लिए कार्य करने के निर्देश दिए थे कि ये वारदात रिपीट नहीं होनी चाहिए और ये आरोपी पकड़े जाना चाहिए। फिर हमारी पूरी टीम छेगांव माखन की सक्रिय हुई, उनको 2 टीमों के रूप में लगाया गया। कुछ टेक्निकली भी आसपास के गाँव की कुछ फुटेज भी मिले थे हमको, हालांकि वो सीधे से नहीं पहचाने जा रहे थे, उनको फिर उस पर भी काम किया गया। और फिर एक मुखबिर हमको इस काम के दौरान मिला और उसने कहा कि सर ये गैंग है आसपास की और ये इकट्ठी होकर के फिर वारदात करती है। उस मुखबिर की सूचना पर से हमने जंगल से इस पूरी गैंग को पकड़ा, जिनके पास से 8 मोटरसाइकिलें चोरी की मिली थी और 6 लोग थे, पर वो टोटली 5 वो थे और 6 खरीदने वाला भी इनके साथ शामिल था। वो सारा माल फिर खुद ही खरीद भी लेता था। इस गैंग को जब लाकर के पूछताछ की गई तो पहले तो ये लगा कि केवल मोटरसाइकिल चोरी ही है, क्योंकि उसमें कोई भी कागज़ सही नहीं मिल रहे थे, कईयों के इंजन नंबर गलत थे। तो उसके बाद जब गहन पूछताछ हुई तो ये वारदात भी निकल करके आई कि इन्होंने यहाँ की बैंक की भी वारदात की है, इसके बाद जो खरगोन में 2 दिन बाद हुई थी उसमें भी इन्होंने ही वारदात की, और इसके अलावा इन्होंने होटल से भी की है, एक अपनी शासकीय मूल्य की दुकान जो होती है इसका गेहूँ चुराया है, एक के घर में से डीजे चुराया है, और भी एक आध चोरी की वारदात स्वीकार की है, पर उसका अभी तक हमको अस्तित्व नहीं मिला है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। भैंस चोरी वगैरह भी इन्होंने की है और ये नई नई गैंग है जो इकट्ठे होकर के रात को शराब और मुर्गा और दारू के लिए वारदात कर रहे हैं। कितने लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और क्या स्टूडेंट है, क्या है, काम नहीं है, पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया है, छुट्टी मजदूरी करते हैं। रिमांड पर लेंगे सर इन्हें? हाँ, अभी मांगा है पुलिस रिमांड पर। अभी क्या हो गया है, शक्ति है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। 10 लाख से ऊपर का माल उनका रिकवर हुआ है, सभी को सूचनाएं की जा रही हैं। वैसे इनका आपराधिक रिकॉर्ड के लिए भी मैसेज किया गया है, परंतु अभी तक किसी ने कन्फर्म नहीं किया कि थाने में शौक पूरे करने के लिए हाँ, इसमें खरीदार जो पप्पू है वो भी अरेस्ट हुआ है, वही इनको सहयोग करता था माल खरीदने।